इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेन थ्योरी के बारे में, हेनरी मेन्स की थ्योरी। इसका टाइम पीरियड था 1822 टू 1888 का। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। जो मेन था, हेनरी मेन, वो हिस्टोरिकल स्कूल के सपोर्टर में से एक सपोर्टर माना जाता था एंड वॉज अ स्कॉलर ऑफ लॉ एंड लॉ का स्कॉलर भी था। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज प्रोफेसर ऑफ सिविल लॉ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एट द अर्ली एज ऑफ 25। जो हेनरी मेन था, इन्होंने अपने 25 ईयर्स की एज में सिविल लॉ के वो प्रोफेसर लगे थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ही वॉज लॉ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो एक लॉ मेंबर भी थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल में बिटवीन 1861 टू 1869। इस टाइम पीरियड के अंदर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के काउंसिल के मेंबर थे, लॉ मेंबर। फ्रॉम 1869 टू 1877 इस टाइम पीरियड में ही ऑक्यूपाइड द चेयर ऑफ हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस इन द क्रिस्टी कॉलेज ऑफ ऑक्सफर्ड। 1869 टू 1877 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में हेनरी मेन्स ने चेयर होल्ड करी थी हिस्टोरिकल कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस की। कौन से कॉलेज में? क्रिस्टी कॉलेज ऑफ ऑक्सफर्ड। नाउ हम स्टेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ। कि लॉ के जो डेवलपमेंट है उसके स्टेजेस क्या क्या थे। लॉ मेड बाय द रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। इसमें यह बताया गया है कि जो राजा थे, राजाओं ने खुद लॉ तो बनाए नहीं है। एक तरह से ये मान सकते हैं हम कि उन्हें देवी देवताओं ने जैसे उनको मतलब इंस्पायर किया था अपनी तरफ, वैसे उन्होंने उनके अकॉर्डिंग लॉज वगैरह बनाए थे। इन द बिगिनिंग लॉ वॉज मेड बाय द कमांड ऑफ रूलर्स। इसमें यह बताया गया है कि स्टार्टिंग में लॉ के जो कमांड जो रूलर्स देते थे वही लॉ माना जाता था। एक्टिंग अंडर द डिवाइनिंग इंस्पिरेशन। जो देवी देवताओं से प्रेरित होकर राजा महाराजा लॉज वगैरह बनाते थे। एंड नथिंग बाय देमसेल्व्स। वो कुछ भी मतलब अपनी तरफ से नहीं बनाते थे, जो भी होता था देवी देवताओं से प्रेरित होकर ही बनाते थे। कस्टमरी लॉ। इन द सेकेंड स्टेज द कमांड्स बिकम कस्टमरी लॉ। जो भी मतलब पहले लॉ बन गया था, जो राजाओं ने बनाया था लॉ देवी देवताओं से प्रेरित होकर, वही आगे कस्टमरी लॉ बन गया। नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड्स ऑफ प्रीस्ट। द नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम गोज इन टू द हैंड्स ऑफ द प्रीस्ट। दिस इज़ द थर्ड स्टेज। इसमें यह बताया गया है कि पहले तो जैसे राजाओं ने लॉ बनाया देवी देवताओं से प्रेरित होकर, और उसके बाद कस्टम वगैरह बन गया वही लॉ, और उसके बाद इन्होंने ये बताया जो भी लॉ की नॉलेज थी वो सिर्फ पंडितों के पास थी। कोडिफिकेशन। देन द मैटर केम इन टू द हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर व्हेन द लॉ इज़ कोडिफाइड। जैसे आपको पता होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसमें बताया होगा लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाती है। तो इसमें यह बताया गया है कि जब लॉ कोडिफाइड हो गया, एक प्रॉपर मैनर में हो गया, देन लॉ बनाने का काम जो भी था, लॉ के रिगार्डिंग जो भी काम था, वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने हाथ में ले लिया। स्टैटिक एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। अकॉर्डिंग टू मेन द सोसाइटीज़ विच डू नॉट प्रोग्रेस आर कॉल्ड स्टैटिक सोसाइटीज़। मेन के अकॉर्डिंग जो सोसाइटीज़ प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं उसे स्टैटिक सोसाइटीज़ कहा जाता है। द सोसाइटीज़ विच गो ऑन डेवलपिंग देयर लॉ बाई न्यू मेथड्स आर कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़। मेन के अकॉर्डिंग जो सोसाइटीज़ अपना लॉ डेवलप कर रही हैं न्यू मेथड से, उसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ कहा जाता है। एंड डेवलप्स देयर लॉ बाई 3 मेथड्स। और जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ का लॉ डेवलप हो रहा था न्यू मेथड से, वो 3 मेथड से हो रहा था। वो 3 मेथड्स ये नीचे डिफाइन किए गए हैं। लीगल फिक्शन। इसमें बताया गया विच मीन्स चेंज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी बट बेसिक इज़ नॉट चेंज्ड। इसमें यह बताया गया कि जैसे सोसाइटी की नीड्स चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे लॉ को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा, बट बेसिक नहीं चेंज किया जाएगा लॉ का। इक्विटी। इक्विटी मीन्स डिस्क्रिशन। इन सर्टेन केसेस द जजेस डिसाइड द केसेस एज पर देयर डिस्क्रिशन। कई केसेस में ऐसा होता है कि मतलब जिसका कोई भी लॉ किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलता, उस टाइम पे जजेस अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके अपने डिस्क्रिप्शन पे अपना फैसला सुनाते हैं। लेजिस्लेशन। इट इज़ द लास्ट एंड डायरेक्ट सिस्टमेटिक मेथड ऑफ लॉ मेकिंग। इसमें यह बताया गया है कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक मेथड। कि मतलब जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी पब्लिक के लिए ठीक रहेगा, आने वाले टाइम में कंट्री के लिए ठीक रहेगा। तो इसमें ये बताया गया जैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ जो हैं वो अपना लॉ कैसे डेवलप करती थी। पहली बात तो जो सोसाइटी की नीड्स होती थी वो चेंज होती रहती थी, उसके अकॉर्डिंग लॉ चेंज कर लॉ प्रोग्रेस करता था। और दूसरी बात इसमें ये बताई गई है जजेस अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके लॉ बनाते थे। और तीसरी बात इसमें ये बताई गई कि है कि जो लेजिस्लेचर है वो सिस्टमेटिक मेथड में लॉ बनाते थे अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी है कंट्री के फ़ायदे के लिए या पब्लिक ओपिनियन के लिए, पब्लिक के फ़ायदे के लिए। ग्रोथ ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे द इंस्टीट्यूशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज़ ब्रोक। इसमें ये बताया गया है कि धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिलीज़ थी वो टूटने लगी। स्लेव्स गेट मोर एंड मोर फ्रीडम, जो गुलाम थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलने लगी। नाउ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्री नेगोशिएशंस ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें बताया गया जो भी राइट्स या जो भी ड्यूटीज़ होती थी वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होने लगी। मेन वॉज परफेक्टली राइट, मेन अपनी साइड से ये परफेक्टली राइट था। व्हेन जब ही प्रोपाउंडेड दिस थीसिस, जब उसने अपनी थीसिस प्रोपाउंड करी थी, अपनी थीसिस इस्टेब्लिश करी थी, बनाई थी। इन इंग्लैंड पोजीशन ऑफ मैरिड वुमेन इम्प्रूव्स, इंग्लैंड में मैरिड वुमेंस की पोजीशन इम्प्रूव हुई थी। मैनी डिसेबिलिटीज़ वर रिमूव्ड, कई कमियां दूर की गई थी। मोर फ्रीडम्स वर गिवन टू द सर्वेंट्स टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट्स, जो गुलाम थे जो सर्वेंट्स थे उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलने लगी कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। देन देयर केम काउंटर मूव अगेंस्ट द मेन, उसके बाद मेन के अगेंस्ट एक काउंटर मूव हो गया। क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी, इन स्पाइट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म द थ्योरी ऑफ मेन इज़ बैलेंस्ड थ्योरी ऑफ द हिस्ट्री। इसमें यह बताया गया चाहे मेन की थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया गया, क्रिटिसाइज़ किया गया मेन्स की थ्योरी को, उसके बावजूद उसने अपनी ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन दी है जूरिस्प्रूडेंस में। और मेंस की थ्योरी को एक बैलेंस थ्योरी माना गया है हिस्ट्री की।